क्वेश्चन है जे एडवांस 1994 का, क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू। देखो हम देख रहे हैं फंक्शन क्या है, इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम डिफरेंशिएशन दो तो जानते हैं, एक क्या जानते हैं x टू दी n, ठीक है, लेकिन वहां पे x वेरिएबल होता है, n कांस्टेंट रहता है, और x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है तो उसका फॉर्मूला n into x raised to the power n minus 1 कर देते हो, लेकिन यहां तो आपका क्या है पावर भी वेरिएबल है तो वो भी नहीं एप्लीकेबल होगा। फिर दूसरा जानते हो a to the x, तो a to the x से लेने जानते हो, वहां पे क्या है बेस आपका कांस्टेंट रहता है पावर वेरिएबल रहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, तो जब भी इंडेक्स फॉर्म में जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल है तो हमेशा ध्यान देना, ऐसे कई क्वेश्चन भी यूज हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। प्रीवियस ईयर करने से एक फायदा है आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पता चलता है, और उससे क्या होता है अगर इसी का सवाल यूज करके कोई और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट पे आप उस सवाल को तोड़कर बहुत आसान बना सकते हो। तो हमेशा प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन करना, ये मत आप डिसाइड करना कि क्वेश्चन पहले आसान पूछते थे अब तक पूछ रहे हैं तो पिछले वाले का करने का कोई रेलेवेंस नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिपीट होंगे, तो वो फंडामेंटल है ना यार, वो पूरी मतलब क्या बोल सकते हैं, वो है तो है, एग्जिस्ट करेगा ही, जब तक मैथमेटिक्स रहेगी तब तक वो कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसको डिस्कार्ड करने का किसी को राइट नहीं है और ना कोई उसको चेंज कर सकता है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने जगह पे बिल्कुल बरकरार है, ठीक। तो इसको आप देखो क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ln y इज इक्वल टू tan x ln sin x, अब क्या करो डिफरेंशिएट करो, 1 by y dy upon dx इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x ln sin x प्लस tan x, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल के साथ अब चैन रूल भी लगेगा, चैन रूल वन अपॉन साइन ln का वन अपॉन साइन x और फिर sin x का cos x, ठीक है। देखो एक तरह से अगर साइन को यहां ला दे तो cos x बन जाएगा जो कि tan x बन जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, तो इज इक्वल टू y टाइम्स sec स्क्वायर x ln ऑफ sin x प्लस 1, ये आ गया y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो sin x raised to the power tan x, देख लेते हैं ऑप्शन में किस फॉर्म में दे रखा है, हाँ sin x raised to the power tan x 1 प्लस sec स्क्वायर x ln ऑफ sin x, ये आपके पास है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, ठीक है।